please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस वक्त मैं मौजूद हूँ DLF कॉरपोरेट ग्रीन्स के हेड ऑफिस में और यहाँ पर आए हुए हैं DLF एक्सप्रेसवे ग्रीन्स के घर खरीदार जो पिछले 10 सालों से परेशान हैं, उन्हें उनके घर नहीं मिल रहे हैं। आज वो परेशान होकर यहाँ पे ऑफिस में आए हैं, इनके यहाँ बात करने आए हैं। ऐसे ही घर खरीदारों से हम बात करेंगे। आज यहाँ पे ये क्यों इकट्ठा हुए हैं, आज ये क्या करने वाले हैं, क्या इनके प्लान्स हैं? हम लोग इकट्ठा हुए हैं DLF के लिए, जो हमारे फ्लैट DLF ने मानेसर में हमने लिए हैं उसके अगेंस्ट जो कोर्ट केस चल रहा है उसका क्या डिसीजन होने वाला है, डिसीजन के बाद हमें पोजीशन कब तक दे देगा। Everybody is talking about farmers and political leaders, but we घर खरीदारों को भूल गए जिन्होंने पैसा दिया, घर खरीदा एक्चुअली उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। कोई किसी की कोई आंसिबिलिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कोई आंसिबिलिटी नहीं है। हम लोग जस्टिस की बात करते हैं, लोगों के हक की बात करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक जजमेंट क्यों नहीं दे रहा। CBI इंक्वायरी 2 साल चली, 3 साल चली, क्यों चली? हमारा पैसा पैसा नहीं। आज आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम DLF को उसके कान खोलने आए हैं। हम उसको बताने आए हैं कि 10 साल से हम सो रहे थे, अब हम जाग गए हैं, हमें हमारा घर चाहिए यहाँ पर। तुम हमारे पूरे पैसे ले जा चुके हो, अब हमारा घर दे दो। क्योंकि वो कुछ नहीं सुन रहा, वो कुछ नहीं कर रहा। हमें प्लॉट से कोई मतलब ही नहीं है। प्लॉट से हमने फ्लैट लिया DLF से, हमें फ्लैट से मतलब है, ठीक है? उसको हमारा अब सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें फ्लैट कब मिलेगा, हमें एक डेट चाहिए। उस दिन नहीं देंगे तो चाहे उसके बदले हमें कुछ भी दें, और इनका पूरा हंगामा करके पूरी सरकार को साथ लेके चलेंगे। इसके क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं? DLF को पता है कि आज आप लोग आ रहे हैं इनसे बात करने? जी हाँ, बिल्कुल पता है। और देखिए, 10 साल वी हैव बीन पेशेंटली वेटिंग एंड DLF ने जस्ट अपने हैंड वॉश कर लिया कि हमें नहीं पता, आप देख लो वहाँ पे केस चल रहा है। पर हमने EMI दी है, हमने रेंट दिया है, एंड टुडे आफ्टर 10 ईयर्स वी स्टैंड नो वेयर फॉर दैट मैटर। मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, हमने DLF को क्यों सिलेक्ट किया? हम किसी रोड साइड बिल्डर को सिलेक्ट कर लेते। एक एक पैसा दिया है, टैक्स पेड हम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, और एक दिन अगर उनकी पेमेंट लेट हो जाती थी तो इतना बड़ा इंटरेस्ट लगा देते थे वो लोग, इतने बड़े ऑफिसेज, इतना बड़ा कॉर्पोरेट, और जब हमारी बारी आ रही थी मुँह छुपा के भाग रहे हैं। Why they are not fighting for us? Who will give the house to us? देखिए, जब हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हम ब्रांडेड जूते पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं कि अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो वापस हो जाएंगे, ठीक? इसीलिए पहनते हैं, हमने इसीलिए इनका नाम, इनके नाम से हमने घर लिया। अब इनको हमारा घर दे देना चाहिए। देखिए, वी वॉन्ट जो भी है, हमें नहीं पता पॉलिटिक्स क्या है, हमें नहीं पता बिल्डर क्या है। मैं अब अपना घर चाह रही हूँ, 10 साल हो गए हमें, हम अपना EMI दे रहे हैं, हम रेंट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। वी वॉन्ट आर हाउस नाउ, एंड आई वॉन्ट जितना हो सके स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस, क्योंकि केस। आज आप यहाँ पे क्या क्या बात करने वाले हैं DLF के अधिकारियों से? एजेंडा निकालो ना, जो हमारे पास पूरा एजेंडा है, वी हैव एवरी पॉइंट जितना भी इसमें है। देखिए, जो भी है इसमें रजिस्ट्री 100% पेमेंट बाय द EG ओनर्स है। व्हाट इफ द सुप्रीम कोर्ट केस गोज इन फेवर ऑफ द फार्मर्स, तब क्या इंपैक्ट पड़ता है? सब हमारे पास सब कुछ एजेंडाज हैं, एंड अल्टरनेट होम्स कंपनसेशन बाय द। ये आपने इनसे पहले कभी डिस्कस नहीं करा? 10 साल हो गए। हमेशा होता है, डिस्कशंस होते हैं, बट नाउ देखिए हमारे में अब यूनिटी है। अब हम इनसे चाह रहे हैं कि जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को सॉल्व किया जाए। अब क्या लगता है, अब आपको क्या लगता है कितना टाइम और लगेगा? DLF ने पेमेंट्स लेने में बहुत जल्दी की, मतलब टाइमली पेमेंट लिया है, इंटरेस्ट भी लेता रहा जिनसे लेना है, और रजिस्ट्री मकानों की कराने में भी बहुत जल्दी करी। लेकिन आज की डेट में वो कोई भी हमें कोई ना मैसेज देते हैं, ना कोई अपडेट करते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अभी आज का क्या स्टेटस है, हम उनसे स्टेटस जानना चाहते हैं, और हमें भी वो पार्टी बनाए अपना लेके, और हम चाहते हैं हमारे लिए फाइट करें। हमने उनको पैसा दिया है, हमने फार्मर्स को पैसा नहीं दिया, हमने इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस को पैसा दिया है, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए। दे आर डूइंग नथिंग। ये थे DLF एक्सप्रेस ग्रीन के घर खरीदार जो पिछले 10 सालों से परेशान है। कोर्ट, किसान और बिल्डर, इन सब के बीच में जो घर खरीदार हैं, इन्हें लोग भूल गए हैं और ये परेशान होकर बीच में रह गए हैं, जिन्होंने EMI भरी है, जिन्होंने अपने फ्लैट की किस्तें भरी हैं, मोटे लोन लिए हैं, और जिन्होंने DLF के सिर्फ नाम के पैसे दे दिए थे। आज ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं DLF के अधिकारियों से मिलने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए और गुहार लगाने के लिए कि इनके सपनों का घर इन्हें जल्दी से जल्दी मिले। एक्सप्रेस ग्रीन्स के खरीदार ने DLF के ऑफिस पर हल्ला बोला, मेरा घर मेरा हक, मेरा घर मेरा हक, और DLF के अधिकारियों से बात करी। घर खरीदार अपने साथ कुछ सवाल लेकर गए थे जिनके वो जवाब DLF के अधिकारियों से चाहते थे।
डीएलएफ एक्सप्रेस ग्रीन्स के घर खरीदार आ जाए थे डीएलएफ के ऑफिस में बात करने के लिए, इनके अधिकारियों से मिलने की, जो इनके 10 साल से घर नहीं मिले हैं, इस पर क्या अपडेट है, इन्हें कब इनका घर मिलेगा। इन्होंने आज अधिकारियों से बात करी, तो इनसे मिलते हैं और जानते हैं किन अधिकारियों से इन्होंने बात करी और अधिकारियों ने इन्हें क्या आश्वासन दिया। आप आज ऑफिस में आए थे डीएलएफ के, आपकी किससे बात हुई? मिस्टर देवेंद्र हैं जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कमर्शियल के, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि भी आपके फेवर में हम लोग हेल्प करेंगे हर तरीके से। एंड 6th को जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उसका एक बार डिसीजन आने दें, और अगर जैसे ही डिसीजन आता है और 99% वो श्योर हैं कि वो सारा डिसीजन हमारी फेवर में आएगा एंड विद इन 6 मंथ। मैम आपको क्या लगता है, इनसे मिलने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या होगा आगे, क्या कदम उठाएगा डीएलएफ? See, so far, since we have put across our points and they have been very cooperative, Mr. Devinder Singh. I think, देखते हैं, they have all asked us to wait till the judgment. Yeah, they have to take a call. आपने अंदर अपने क्या-क्या सवाल उठाए थे जिनके उन्होंने जवाब दिए, क्या-क्या मेन सवाल थे आपके अंदर उनके अधिकारियों से? मेन वही है, हमें कब तक मिलेगा इसका जजमेंट का जो ऑर्डर्स है, इस पर हमारे इसमें क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है, और जब कंपनसेशन की बात हो रही है कि होगा कि क्या है, लेट्स इट्स ऑल डिपेंड अपॉन दैट। अपना जो हमारा डिले हुआ है 8 long years, उसका हमने कंपनसेशन, वी हैव आस्क देम कि हमें कंपनसेशन देना चाहिए, और बेसिकली हमारा कंसर्न यही था कि जो भी जजमेंट आता है उसमें उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, और सिंस कोई उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन भी फ्लो नहीं हो रही है, कुछ कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है हमारे पास, तो हम सेशन के सवाल पे उन्होंने मैम क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने ये कहा है कि वो हमें देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें रिटर्न में दिया था कि 20,000 rupees पर मंथ आफ्टर 3 years के बाद मिलेगा, और आज हमें 7 साल हो गए हैं, उस हिसाब से हमारा कंपनसेशन बन गया। भैया फार्मर के साथ हमारा लेना देना नहीं है, फार्मर का के साथ उनका लेना देना था, हमने फ्लैट लिया, मेरी लॉयर से बात हुई है, ये प्लॉट नहीं है हमारा, हमारा फ्लैट है, इसलिए हमें इनको ही देना पड़ेगा डीएलएफ को, हम उसकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में से कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, हमें इनसे लेना है बस केवल। अब आपको क्या लगता है कि जो अगली कोर्ट की हेयरिंग है उसमें क्या आपके फेवर में फैसला आएगा या फार्मर्स के उसमें आएगा? वो हमारे फेवर में आना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जो केस है, केस इज दैट फार्मर्स आर आस्किंग फॉर कंपनसेशन इस एंड डीएलएफ इज रेडी टू पे देम कंपनसेशन विदाउट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम अस, इट इज़ ए फाइनल जजमेंट। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट कोर्ट विल ऑल्सो लुक फॉर द होम ओनर, होम बायर्स, नंबर वन। नंबर टू, वी रिक्वेस्टेड द डीएलएफ दैट दे शुड ऑल्सो गिव अस द डिलेड कंपनसेशन, they agreed and they said the compensation will be given us for the delay. If they will not give the compensation, we will come again after getting the house and we will again raise our voice. dobara aap kab aane wale hain? 10 tarikh ko 11 baje yahan par dobara hum yahan par sab ikatthe honge and the understanding is ki after 6th ko jo faisla aayega, whatever Mr. Devinder has committed or basically what he has committed is he'll have all the answers ready which we have submitted the questions. So we'll all be here to hear his answers. आप यहाँ पे आ जाए थे, आपको लगता है कि आपके सारे सवालों के आपको सही जवाब मिल गए? हमने उनसे questions put up किए हैं, हम they will come back to us, we will also wait for the judgment to come and then hear from DLF what they have to say. DLF Express Greens के घर खरीदार आज यहाँ पे DLF के ऑफिस में आए थे, यहाँ पे अधिकारियों से मिलने आए थे, अपने कुछ सवाल लेके आए थे जिनके जवाब चाहते थे कि 10 साल से ये ठोकरें खा रहे हैं, फार्मरों की सुनवाई हो रही है, उनका केस चल रहा है, लेकिन जो घर खरीदार हैं, जो पैसे दे के DLF को फंस गए हैं, उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, वो बस अपना घर चाहते हैं, और जो 10 साल उनको हो गए हैं पैसे दिए हुए, वो उसका कंपनसेशन चाहते हैं। आज उन्होंने अधिकारियों से बात करी, अधिकारियों ने इन्हें 10 तारीख को बुलाया है दोबारा, 10 तारीख को इन्हें जवाब देने के लिए कहा है, दोबारा यहाँ पे घर खरीदार इकट्ठा होंगे 10 मार्च को, उस बीच में कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ जाएगा, ये देखना है कि इसमें कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आता है, क्या घर खरीदारों को घर मिलेगा, अगर नहीं मिलता है, कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में नहीं आता है, तो 10 तारीख को DLF इन्हें क्या जवाब देगा। देखते रहिए रियल्टी मीडिया, बाकी अपडेट्स के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन शुभी गोयल के साथ।